अब राम जो थे सुग्रीव का राज्याभिषेक करके वापस आ गए। अब लंका रोहण इसलिए नहीं हो सका क्योंकि उस वक्त वर्षा ऋतु का मौसम था, इसलिए लंका रोहण को स्थगित करना पड़ा। इस समय में जो राम है वापस आकर प्रसवर्ण पहाड़ पर रहे। अब वर्षा ऋतु बीत गई, राम सुग्रीव का इंतजार कर रहे थे कि वानर आए और सीता की खोज करें, लेकिन वहां पर जो सुग्रीव था राम रंग में उलझ गया। अब हनुमान ने सुग्रीव को उनका वचन याद दिलाया कि राज्याभिषेक के समय आपने जो वचन दिया था उसका समय आ गया है, युद्ध की तैयारी कीजिए। सुग्रीव ने वानर सेना को एकत्र करने का आदेश दे दिया और ये काम सेनापति नल को सौंप दिया। इस काम में 15 दिन और बीत गए। अब राम को सुग्रीव पर गुस्सा आ रहा था और उन्हें ये हो रहा था कि शायद सुग्रीव अपना वचन भूल गए हैं। राम के ने इस समय में सुग्रीव के विनाश तक को भी सोच लिया। राम को चिंतित देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और वो धनुष उठाकर सुग्रीव को मारने के लिए चल पड़े, पर राम के समझाने पर वो रुक गए। सिर्फ वो संदेश लेकर किष्किंधा गए और किष्किंधा के बाहर खड़े होकर उन्होंने धनुष की टंकार की। धनुष की टंकार सुनकर सुग्रीव डर गए और वो दौड़े हुए बाहर और उनसे लक्ष्मण से क्षमा याचना करने लगे। सुग्रीव लक्ष्मण के पीछे पीछे चल पड़े और सेना का इंतजार नहीं किया। वहां पर जाकर सुग्रीव और राम ने लंका रोहण की योजना बनाई। वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण वाली टोली का नेता बनाया गया जिसमें हनुमान भी शामिल थे। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते हुए वानर अपने निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी दे दी जिस पर राम लिखा था और कहा, जब सीता से तुम्हारी भेंट हो तो उसे ये दे देना, वे तुम्हें पहचान जाएंगी कि तुम मेरे ही दूत हो। अब सारी टोलियां चल पड़ी तो जो दक्षिण की टोली थी चलते चलते ऐसी जगह पे पहुंचे जिसके आगे भूमि ही नहीं थी, बस केवल विशाल समुद्र था। समुद्र को देखकर तो सबका साहसी जवाब दे गया। वानर राम के बारे में बातें करने लगे, तभी पहाड़ी के पीछे से एक गिद्ध निकला। वो गिद्ध जो था जटायु का भाई संपाति था, जिसने सीता को बचाने की रक्षा की थी उस जटायु का। अब जटायु का भाई संपाति बाहर आया और उसने बताया सीता लंका में ही है और लंका पहुंचने का बस एक यही रास्ता है। अब सब सोचने लगे इसको कैसे पार किया जाए। उस टोली में एक बुद्धिमान जामवंत भी था। उन्होंने कहा ये काम हनुमान जी कर सकते हैं क्योंकि वे पवन पुत्र हैं। हनुमान को तो अपनी शक्ति का खुद अनुमान ही नहीं था, वे शक्ति को भूल गए थे। जामवंत जी ने उनकी ये शक्ति जगाई। जब उनमें ये शक्ति जागृत हुई तो सबकी आंखें जो थी हनुमान पर ही टिक गई।